इस आक्रोश के बाद कमलनाथ सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। यह आक्रोश तब का है जब सत्ता में आते ही कमलनाथ सरकार ने सरकारी इमारतों में महीने के पहले दिन गाए जाने वाले वंदे मातरम पर रोक लगा दी। देखिए, इन पे तो विवाद होना नहीं चाहिए, चाहे भारत माता की जय हो, चाहे वंदे मातरम हो, ये सब देशभक्ति के गान हैं। इन सब से देशभक्ति प्रकट होती है। हम चाहते हैं कि हमारे भारत की नई पीढ़ी जो भी गीत हो, जय हिंद हो, वंदे मातरम हो, लेकिन किसी प्रकार का दबाव तो नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का राजनीतिकरण तो नहीं होना चाहिए। एक स्वतंत्रता होना चाहिए, कोई जो चाहे सारे जहां से अच्छा गाए, जो चाहे वंदे मातरम गाए, जो चाहे मेरा भारत महान गाए। इस फैसले के साथ ही कमलनाथ सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई। विपक्ष ने कमलनाथ सरकार पर जोरदार हमला बोला। देशभक्ति और देश दलों से परे है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, बदलती रहती है, लेकिन कुछ मापदंड और पैमाने ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदला करते। वंदे मातरम तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया, उसको बंद करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमने इसका विरोध करने का फैसला किया है। विपक्ष के इस विरोध के बाद सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। कमलनाथ सरकार लौट के वंदे मातरम पर आ गई है। इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं, वंदे मातरम गाने का विरोध करते हैं। कुछ हैदराबाद में नेता हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में नेता हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि क्या उन लोगों के दबाव में, क्या राहुल जी ने आपसे कहा कि क्यों बंद किया ये? क्या वे लोग जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं उन्होंने राहुल जी पे दबाव बनाया, राहुल जी के कहने से आपने बंद किया? जरा स्पष्ट तो करना चाहिए ना, क्योंकि ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा हुआ है कि एक परंपरा डली हुई थी वंदे मातरम गाने की, उसको क्यों बंद किया गया? ये तय हुआ है कि पहले की तरह वंदे मातरम नहीं होगा, बल्कि इस बार पुलिस के बैंड बाजे के साथ वंदे मातरम सरकारी इमारतों में गाया जाएगा।